राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले मंडल की कार्यशाला की गई, जिसमें एनेक्सी भवन में गोरखपुर और बस्ती मंडल की कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से CDO अनुज सिंह, मनरेगा के अपर आयुक्त योगेश कुमार उपाध्याय, कमिश्नर ग्राम विकास MP सिंह और मनरेगा के संयुक्त आयुक्त शंभुनाथ तिवारी मौजूद रहे। इस बैठक में गोरखपुर और बस्ती मंडल के कार्यों के बारे में चर्चा की गई। नर्सरी बनवाना, यार बड़े बड़े नींबू और बड़ी भारी संख्या में या फिर एक तो डबल है कि उनको आप पहले बना के देना है। जितने भी स्लाइड्स में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें किसी भी डायरेक्शन में आप लेके जाएंगे इस स्कीम को, उससे फायदा होगा। तो नीचे वाले जो हमारे छोटे वाले पहिए हैं, जिसमें आप कहें कि जो मेन फील्ड में इम्प्लीमेंटर्स हैं, जो पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, दे मस्ट ओपन देयर आईज एंड ईयर्स कि कौन से एरिया में हम किन किस विलेजेस में काम को टेकअप कर सकते हैं। एंड जो आपका जिला कृषि अधिकारी हो उसको पूर्व ले, इनके पास फील्ड लेवल पे कुछ इनके वो होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, जो किसी भी ब्लॉक में लगभग 12-13 लोग होते हैं, उनसे डेटा उठाएं और वहाँ पर यदि किसी के पास इरीगेशन वाला पानी अवेलेबल कराने में मेजर रोल प्ले करता है। आयुक्त ग्राम विकास जिसमें उनके आदित्य है की पोस्ट मैं अपन गेस्ट के रूप में इसलिए अनुज को मना कर रहा था मेरा स्वागत न करो, क्योंकि मैं चीफ पोस्ट इस कार्यशाला में। इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या आवश्यकता थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल से हमने 15 अप्रैल को प्रारंभ किया था इस कार्यशाला को,